अगली बड़ी खबर तरन तारण तो है जिथों दो नौजवानों गिरफ्तार किया गया भारी मात्रा में विस्फोटक समगरी बरामद करने का दावा किया गया। करनाल में हुई चार गिरफ्तारियों इन गिरफ्तारियों के तार जुड़ते दिखाई दे रहे। कई थावां ते छापेमारी की गई है। बोरियों के विस्फोटक समगरी लुको के रखी हुई सी जिसनू दो जने सने सीज किया है। मनीष शर्मा साढ़े पत्रकार इस खबर से ज़्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। मनीष, जिस हिसाब नाल विस्फोटक समगरी बरामद की गई है, किस तरह का मुढ़ली तफतीश के कुछ सामने आया, कौन लोग सी, कितों रिकवरी हुई है, कि विस्फोटक पदार्थ इसनों मनिया जा सकता है, जो हाले फोरेंसिक टीम उस तो बाद सब कुछ स्पष्ट करेगी। फिलहाल की कड़ी अपडेट की है जी कृष्ण? फिलहाल जी हूं तक की जानकारी है जो विस्फोटक मिलिया सी वो RDH जिहड़ा दस्या जा रहा, क्योंकि इन्नी वड्डी मात्रा के लगभग दस्या जा रहा है कि उसकी क्वांटिटी 4 किलो के लगभग जो RDH है। इतों का एक पिंड है नुशहरा, उसे खंडर नुमा इमारत के एक बोरी के रखा गया थी, इन्हू कढ़ना थी। जिस वे कढ़न की जो दो शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, अमृतसर के अजनाला कस्बे के पिंड के रहने वाले ने, दोवां की निशानदेही से जोड़ा RDH बरामद किया गया। इन्नी वड्डी मात्रा के RDH बरामद होया, ये तो साफ है कि पंजाब के जी देश द्रोही ताकत ने जी पाकिस्तान या दूसरे जो कंट्री उन्होंने बैठे ने, लेकिन यह कनैक्शन सीधे सीधे जोड़ा फिलहाल करनाल जोड़ा जोड़िया जा रहा, करनाल के नाल लिंकअप दिते जा रहे हैं। हरविंदर रिंदा जोड़ा वो ही जोड़ा हैंडलर जोड़े ने दो दसया जा रहा कि उन्होंने लिंक सी, जे दो शख्स है गिरफ्तार किए गए हैं। इन्नी मात्रा के जोड़ा RDH है, कितने जाना थी, इस्तेमाल कितने होना थी, फिलहाल ये वास्ते हजे पुछगिछ दोषियों को की जा रही है। इसी मामले के अलग अलग टीम बनाई गई ने, अलग अलग जगह रेड भी कंडक्ट की जा रही है। आज शाम तक जोड़े ने पंजाब के DGP और इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मामले का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन तुम एक होर चीज़ दसागा कृष्ण की इतने लगातार जी तरन तारण के सरहदी पिंड ने, खास करके आप डल इलाके की गल करिए या बाबा पीर फोर्स है इतने BSF की, वो आले दुआले जी ड्रोन की एक्टिविटीज लगातार 3-4 दिन काफ़ी देखी गई थी। BSF के जवानों ने फायरिंग की, ड्रोन वापस चला जाता थी, लेकिन सर्च की गई थी, कुछ मिले नहीं थी। उसी चीज़ को कनैक्शन जोड़ा पंजाब पुलिस ने अपना जोड़ा टीम जी लगाई, साइबर टैक्निकल जो टीम उन्हें काम किया, उन्होंने एफर्ट्स तो बाद जी इनपुट निकली है, वह नतीजा है कि अज जी इतनी वही जी बरामदगी हुई है, जरा साजिश हुई वो नाकाम की गई है। ठीक है मनीष, रिकवरी दे विच की कुछ स्पष्ट हो पाया है, तो जिन्होंने गिरफ़्तार किया गया है उन्हों का करनाल घटना के नाल की कुछ लिंकअप करके कि पंजाब की पुलिस देख रही है कि ज्वाइंट ऑपरेशन हरियाणा का मनिया जाए? जी फिलहाल किसी इनपुट के ऊपर जी है तरन तारण पुलिस काम कर रही थी, उस चीज़ को लैके जी इतों की CIA टीम जी है उन्हें लगातार कई जगह रेड भी की थी, लेकिन जो दो शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने सूचना के आधार से किसी नाके तो फड़िया गया, तो उन्होंने ही निशानदेही तो जोड़े ने RDH बरामद होया। तो करनाल के नाल फिलहाल जरा दसा जा रहा कि किसी ना किसी लिंक जुड़े हुए थे, उसी इनपुट से अगे काम किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो होर गिरफ्तारियां हो सकती ने, क्योंकि यह जो नैटवर्क सी किसी ने एक होर चीज़ है कि ये जे यूज किया जा रहा जे नौजवानों, खास करके पंजाब के जो नौजवान ने, आप देखा जो आप करनाल की गल करिए, करनाल से जी गिरफ्तारियां हुई थी वो सारे किसी ना किसी एक लोअर फैमिली ना बिलोंग करते थे, आर्थिक हालात उन्होंने इस तरह के थे, यहोजे नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा पंजाब के ही खिलाफ, सब तो वही है गल है। लेकिन हूँ जी टीम ने वो गल कर रही है, लेकिन जांच एजेंसियां हूँ इतने तरन तक जड़िया शायद पहुंचन गिया या मनिया जा रहा कि अजनाले वाली साइड जाएगियां, तो अगे जी है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन दो जी गिरफ्तारियां काफ़ी अहम ने, अगे पूरा नैटवर्क साफ होएगा। जी बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी दी सांझ पाउण लई। सो तरन तारण तो सब तो वड्डी खबर आ रही है विस्फोटक समगरी बरामद।